वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अखिलेश अकेडमी। आप सभी लोगों का अखिलेश अकेडमी में स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो हमारा लास्ट में हमने जो स्प्रिंग इक्विपमेंट के बारे में पढ़ा था उसी का आज हम कैलिब्रेशन पढ़ेंगे कि इसको हम कैसे कैलिब्रेट करते हैं। हाँ, अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कैलिब्रेशन क्या है। कैलिब्रेशन हेल्प टू इंश्योर गुड पेस्ट कंट्रोल। जो कैलिब्रेशन होता है वो इंश्योर करता है कि जो हमारा पेस्ट है वो हमारा गुड कंट्रोल है, मतलब जो स्प्रे हम यूज कर रहे हैं वो हमारा पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट है। इट ऑल्सो हेल्प टू प्रिवेंट क्रॉप डैमेज फ्रॉम पेस्टिसाइड्स, हाई पेस्टिसाइड रेसिड्यू, इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन। देखिए, ये जो है ये हमारी हेल्प करता है, जो क्रॉप होती है उसको डैमेज होने से बचाता है। हाई पेस्टिसाइड रेसिड्यू है, इसके अलावा जो एनवायरमेंट में कंटामिनेशन होते हैं उसको भी रोकने से ये हमें बचाता है। कैलिब्रेशन ऑन एप्लीकेशन इक्विपमेंट टू इंश्योर आवर पेस्टिसाइड्स विल बी अप्लाइड एक्यूरेटली यूनिफॉर्मली एट द रिकमेंडेटेड रेट। ये जो हमारा कैलिब्रेशन रेट होता है पेस्टिसाइड्स का, वो हमें एक्यूरेट और यूनिफॉर्मली रिजल्ट प्रेडिक्ट कर देता है। देयर आर अ फोर बेसिक प्रोसीजर टू कैरी आउट व्हेन द कैलिब्रेटिंग स्प्रेडर। डिटेल ऑन दिस प्रोसीजर आर गिविंग। देखिए, अगर हम भी कोई भी अपना स्प्रेडर इक्विपमेंट है उसको कैलिब्रेट करना है तो उसकी चार प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले सेटअप है, दूसरा मेजरिंग डिलीवरी सिस्टम है, तीसरा हमारा एडजस्टिंग डिलीवरी सिस्टम है, फोर्थ है हमारा कैलकुलेटिंग हाउ मच पेस्टिसाइड टू ऐड टू द स्प्रे टैंक, कि कितना अमाउंट में हम स्प्रेयर यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेटअप। सेटअप क्या है? ड्यूरिंग द स्प्रेयर सेटअप चेक द स्प्रेयर नोजल एंड स्प्रेयर प्रेशर आर करेक्ट फॉर अप्लाइड पेस्टिसाइड्स एंड क्रॉप कंडीशन। चेक द इक्विपमेंट टू इंश्योर ऑल पार्ट्स इन गुड कंडीशन एंड वर्किंग प्रॉपरली। द स्प्रेयर मस्ट अप्लाई द पेस्टिसाइड्स यूनिफॉर्मली अक्रॉस द ब्रिक एंड वॉटरिंग होम एंड कवर द होल बेड एरिया। यू must choose with nozzle to use the nozzle pressure before you can move on the second step in the calibration, measuring the delivery rate. The last phase to calibrating water seat give formulas for checking the speed and for your tracker wheel. देखिए, जितने भी स्प्रे हैं, अगर हम सबसे पहले उनका सेटअप देखते हैं कि उनका सेटअप प्रॉपर तरीके से है कि नहीं है, ये प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है, अगर हम उनको यूज करना चाह रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से यूज होंगे या नहीं होंगे, तो सबसे पहले हम ये सारी चीजें उनकी चेक करते हैं। इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि अगर हम स्प्रे कर रहे हैं तो वो यूनिफॉर्मली तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो यूनिफॉर्मली तरीके से हो रहा है तभी हम उसका यूज करते हैं, अगर वो नहीं हो रहा है तो हम उसको यूज नहीं करते। इसके अलावा हम जो हमारी मेजरिंग डिलीवरिंग रेट होता है उस पे उसको हम दो या तीन बार चेक करते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से है या नहीं। इसके अलावा हम कैलिब्रेटिंग वर्कशीट भी देखते हैं इसकी। तो ये हमारा होता है सेटअप। दूसरा हम होता है सिलेक्टिंग स्प्रे वॉल्यूम, कि हमें किस वॉल्यूम में यूज करना है हम वो सिलेक्ट करते हैं। Rinse application before the calibrating your sprayer. You should determine how much spray mixture should be sprayed in a given area. To recommended amount, the spray is usually found on pesticide label. देखिए, अगर आप कोई भी वॉल्यूम में यूज कर रहे हैं स्प्रे, तो किस पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि वो जो हम स्प्रे यूज कर रहे हैं वो हम किस अमाउंट में यूज कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम क्या है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। सिलेक्टिंग नोजल प्रेशर, मैनी नोजल मैन्युफैक्चरिंग हैव चूजन
to report nozzle output with pressure in a bar, not kilopascal. The bar unit is equal to the 100 kilopascal. Pesticides label report the pressure in a kilopascal. Use the pressure gauge on the sprayer market in both PSI and kilopascal. So much unit can be used directly from the gauge. The maximum pressure on the pressure gauge should be twice the mixture spray. Pressure used to protect the gauge from damaging will allow it to be read accurately. देखिए जो भी हम यूज करें स्प्रेयर स्प्रे वगैरह उसका हमें सबसे पहले वॉल्यूम डिफाइन करना चाहिए कि हमें किस वॉल्यूम में उसको यूज करना है. उसके अलावा फिर उसका प्रेशर भी हमें सिलेक्ट करना चाहिए कि हम उसको कितने प्रेशर से रिलीज कर रहे हैं, मतलब उसका आउटपुट प्रोसेस क्या है वो भी हमें डिफाइन पता होना चाहिए. जैसे अगर हम बात करें एक यूनिट में हम 100 किलोपास्कल तक यूज करते हैं, मतलब ये जो है ये वेरी करता है पेस्टिसाइड्स के अकॉर्डिंग, और किस अमाउंट में हमें यूज करना है, कहाँ हमें यूज करना है, तो इसको भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं कि हमें जो स्प्रे है वो किस प्रेशर से किस वॉल्यूम में कहाँ पे स्प्रे करना है. नेक्स्ट है हमारा डिटरमाइन द स्प्रेयर्स शॉर्ट ब्रेथ. शॉर्ट ब्रेथ इज द ब्रेथ ट्रीट एरिया विच स्प्रे द ड्रॉपलेट डिस्ट्रीब्यूटिंग वन पास ऑन द एप्लीकेट. In the broad spray, it is the nozzle spraying multiplied by the number of nozzle and band treatment. It is a sum of treated band breadth. For crop growing in bead spray, breadth is wet spacing multiplied by the number of beds. देखिए हम इसमें जो उसकी स्वेत बेड होती है उसको भी डिटरमाइन करते हैं. इसको डिटरमाइन करने के लिए हमें जो स्प्रे है उसकी ड्रॉपलेट की ब्रेथ डिटरमाइन करनी होती है कि वो किस ब्रेथ में यूज करते हैं. इसके अलावा देखिए जो इसके अलावा जो हमारी जो ब्रॉडकास्ट स्प्रे होती है उसमें नोजलिंग स्प्रेरिंग मल्टीप्लाइड द नंबर ऑफ नोजल्स, मतलब उसमें हम एक से ज्यादा नोजल्स का भी यूज कर सकते हैं ब्रॉड ट्रीटमेंट करने के लिए. नेक्स्ट हम देखते हैं मेजरिंग डिलीवरी रेट की उसका मैक्सिमम डिलीवरी रेट क्या है कि हम किस रेट से डिलीवर कर सकते हैं. द टेस्ट एरिया मेथड एंड द टाइम आउटपुट मेथड. इसके लिए दो मेथड्स होते हैं. पहला हमारा होता है टेस्ट एरिया मेथड, दूसरा होता है हमारा टाइम आउट मेथड. द टेस्ट एरिया मेथड यूज फ्यूअर कैलकुलेशन, हाउएवर इट कैन टेक लॉन्गर टू कैरी आउट. If an entire producing room is used to the test area, the major discharge of water is the delivery rate per production room number of calculating are required. The most common problem with this test method is measuring the amount of sprayer water discharge. The time of जो हमारा test area method होता है वो depend करता है कि हमें spray किस area पे करनी है, कहाँ करनी है, कितनी amount में करनी है, क्या करनी है. और नेक्स्ट है हमारा टाइम आउट मेथड, ये हमारा कैलकुलेट करता है टेस्ट एरिया टाइम आउट मेथड. बाय यूजिंग द टेस्ट एरिया एंड टाइम आउट मीडियम द एक्यूरेसी ऑफ स्प्रे कैलिब्रेशन कैन बी चेक. अगर इस जो हमारी एक्यूरेसी होती है उससे हम इसको चेक कर सकते हैं. एडजस्ट डिलीवरी रेट की अब हम एडजस्ट डिलीवरी रेट देखते हैं. इफ द मेजर डिलीवरी रेट द स्प्रेयर इज difficult, then the spray volume is listed on the pesticides label or recommended the production guide. It can be adjusted the three way. First is the nozzle time should be changed if large change in the delivery rate. Check with the nozzle supplier and agriculture advisor. Obtain the catalog listed nozzle and nozzle output in liters. Slower speeds increase the amount of spray. Fast speed reduce the amount. Third, spray volume pressure should be set for the correct droplet size. अगर हम डिलीवरी की बात करें तो हमें जो नोजल साइज जो नोजल का साइज होता है उसको भी हमें डिफाइन करना चाहिए कि किस कितनी उसका जो नोजल का साइज है वो हमारा कितना होना चाहिए. इसके अलावा जो उसकी स्पीड है उसको वो भी हमें पता होनी चाहिए
और इसके अलावा प्रेशर की हमें किस प्रेशर से उन्हें डिलीवर करना है ये भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कैलकुलेट हाउ मच द पेस्टिसाइड टू एट द स्प्रे टैंक। अब हमें ये देखना चाहिए कि कैलकुलेट करेंगे कि हमें जो पेस्टिसाइड है उसे कितनी अमाउंट में स्प्रे करना चाहिए। व्हेन द स्प्रे डिलीवर रेट इज नोन द कैलकुलेट हाउ मच स्क्वायर फीट कैन बी स्प्रे बाय फुल टैंक एंड हाउ मच पेस्टिसाइड्स टू ऐड इन द स्प्रे टैंक। बी केयरफुली टू एक्यूरेटली मेजर द एरिया टू बी कवर्ड बाय द टैंक बाय लास्ट टैंक टू मिनिमाइज लेंथ एरिया स्प्रे मिक्सचर इन द टैंक व्हेन यू आर फिनिश्ड स्प्रे। देखिए जितने भी हम पेस्टिसाइड्स वगैरह हम यूज करें उसके लिए हमें डिलीवरी रेट हमें डिफाइन करना चाहिए। वो डिपेंड करता है हमारा स्क्वायर एरिया पे कि हम कितना स्क्वायर एरिया पे कितनी ना हम क्या कि हमें जो स्प्रे है वो हमें कितने स्क्वायर एरिया पे करनी है। और जब भी हम इसको यूज कर रहे हो तो उसका जो हमें बहुत एक्यूरेट और करेक्टली डिफाइन करना चाहिए। और मतलब ये नहीं कि हम कहीं भी कुछ भी ऐसे ही मेजरमेंट कर ले, नहीं ऐसे हमें मेजरमेंट नहीं करने चाहिए। हमें उसको उसके लिए प्रॉपर केयरफुल रहना चाहिए और प्रॉपर एक्यूरेट मेजरमेंट करना चाहिए। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में जाना कि हम जो स्प्रे है उसको हम कैसे कैलिब्रेट करेंगे। प्लीज फॉलो आईटीएलएस अकेडमी ऑन इंस्टाग्राम Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, LinkedIn and also get it on Google Play Store. Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe. ITLS Academy. Thank you.